अस्सलाम वालेकुम। चॉइस न्यूज खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। आप हैं चॉइस न्यूज चीफ एडिटर मोहम्मद महमूद अजहर के साथ। पेश खिदमत है ये खुसूसी रिपोर्ट। नादरी वसामीन किराम, जैसा कि आप जानते हैं रमज़ान मुबारक ख़त्म होने को है और आज 28 रमज़ान मुबारक है और कल 29 रमज़ान है और 29 को चाँद उसमें रिवायत देखा जाएगा और अगर चाँद दिख जाता है तो यानी कल रोज़ मंगल की रात रहेगी। चाँद दिखने पर लैलतुल जायज़ा उसको कहा जाता है, यानी इनाम मिलने की रात। तो पूरा महीना हमने इबादत किए हैं, नमाज तरावी को अदा किया है, तहज्जुद को अदा किया है, रोज़े रहे पूरा एक महीना। ये पूरे रोज़े रहने का अल्लाह सुब्हानहु व तआला चांद रात के दिन हमको इनाम देता है। उसमें इबादतें करने के लिए हमको कहा गया है कि रात तमाम जो आखिरी रात रात तमाम इबादत ईद शब ईद कहते हैं, अगर रात तमाम हम इबादत करके अल्लाह की तरफ रुजू हो जाए उसका दुख हासिल करें तो पूरे महीने के साथ साथ अल्लाह सुब्हानहु व तआला उस रात की खुसूसी क़ियाम का हमको सिला और जज़ा अदा फरमाता है। ख़ास तौर पर मैं हमारे नाज़रीन से, ख़ास तौर पर हमारे शहर हैदराबाद के नौजवान बच्चों से मैं अपील करता हूँ कि उस रात को गनीमत समझें। चाँद दिखने के बाद जो रात होती है वो लैलतुल जायज़ा कहा जाता है, इनाम मिलने की रात। हम उसको ऐसे ही सड़क पर घूमते हुए, शॉपिंग करते हुए और होटलों में बैठकर और ऐसे चार छः दोस्तों के साथ हम बैठकर उसको ज़ाय करने के बजाय अल्लाह की तरफ रुजू हो जाए। अगर आपको इबादत करने का मन नहीं कर रहा है तो घर में जाके आराम करिए, घर में सो जाइए, आराम करिए या और कोई मशागिल में आप मशगूल रहिए, कुछ लिखने पढ़ने में मशगूल रहिए अगर इबादत करने का मन नहीं कर रहा है। लेकिन ऐसे ही फजूल उस रात को गवाते हुए अपनी रमज़ान की पूरी इबादतों से महरूम ना हो जाए, अल्लाह सख्त नाराज़ होता है। जो उस रात लैलतुल जायज़ा है और आप अपने दीगर लहू लाभ में मसरूफ़ हैं, शॉपिंगों में मसरूफ़ हैं और बैठकर दीगर बेकार की गुफ्तगू में लायानी गुफ्तगू में अगर आप मसरूफ़ हो जाएंगे तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमसे सख्त नाराज़ हो जाएगा। और लैलतुल जायज़ा के साथ साथ सारे रमज़ान की इबादतों को आपके अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमारे पर करने को कर सकता है। हमको चाहिए कि अगर हमको इनाम मिलना है तो रमज़ान करीम की सारी इबादतों को हमको सलाम मिलना है तो लैलतुल जायज़ा को बड़ी पसंद है और चांद रात ईद की चांद दिखने पर जो रात रहती है उस रात को गनीमत समझते हुए अल्लाह की तरफ रुजू हो जाए, अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह का कुर्ब हासिल करें। इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमारे तमाम गुनाहों को बख्श करे, आमीन, हल करने वाला है। मैं फिर अपील करता हूँ आप तमाम अल्लाह से कि इस रात को गनीमत समझते हुए अल्लाह से रुजू करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। इस खुसूसी रिपोर्ट को हमारे नुमाइंदे मीर हैदर अली ने आप तक पहुँचाया। अब चॉइस न्यूज चीफ एडिटर मोहम्मद महमूद अजहर को इजाजत दीजिए।